आजकल ठगों ने आम आदमी के साथ साथ वीवीआईपीज को भी छोड़ा नहीं है। सोचने की बात यह है कि ठगी का शिकार अनपढ़ के साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। जी हाँ, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता को ही ले लीजिए। मन तो था सोफे बेचने का, लेकिन मोहतरमा के साथ 34,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। ऐसी घटना लगातार सामने आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और साथ ही वो सावधानियां भी बताएंगे जिन्हें बरतकर आप ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं। दरअसल हर्षिता ने OLX प्लेटफॉर्म पर सोफा बेचने की इन्फॉर्मेशन डाली थी, जिसे एक शख्स ने खरीदने में रुचि दिखाते हुए उनसे कॉन्टेक्ट किया। अकाउंट वेरीफाई के नाम पर उस शख्स ने हर्षिता के अकाउंट में छोटी रकम का पेमेंट किया। फिर बाकी के अमाउंट के लिए उसने हर्षिता को एक QR कोड भेजा और स्कैन करने को कहा। जैसे ही हर्षिता ने स्कैन किया, उनके अकाउंट से 34,000 रुपये कट गए। उस शख्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। हर्षिता को ये समझते देर नहीं लगी कि वो ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने तुरंत इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस उस अपराधी को जल्द ही पकड़ लेगी और शायद हर्षिता का पैसा मिल भी जाए, लेकिन अगर ऑनलाइन सेल परचेज के दौरान कुछ सावधानी बरती जाए तो धोखाधड़ी का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। एनी डेस्क जैसे ऐप पर किसी भी अनजान को अपने मोबाइल या रिमोट ना दें, क्योंकि एनी डेस्क ऐप आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। हमेशा पेमेंट UPI के जरिए करें। बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन को चेक या RTGS के जरिए ही करें। मैसेज या मेल पर आए बिना जानकारी के लिंक पर क्लिक ना करें। अपने मोबाइल फोन को हमेशा लॉक रखें। कभी भी किसी को भी OTP बताने की गलती ना करें। किसी भी अनजान QR कोड पर क्लिक ना करें। लॉटरी लगने के लालच में किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। सभी पेमेंट ऐप पर पासवर्ड लगाकर रखें। किसी भी अनजान Wi-Fi के जरिए बैंक ट्रांजेक्शन ना करें। एंड्रॉइड फोन में एक अच्छा एंटीवायरस डाउनलोड जरूर कर लें। ठग आपको ठगने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाते हैं ये भी जान लीजिए। ठग किसी भी वेबसाइट के नाम से मिलती जुलती एक दूसरी साइट बना देते हैं, जिसे क्लोन साइट बोलते हैं। इसे ओपन करने पर यह बिल्कुल असली साइट जैसी ही दिखती है। ध्यान रखिए कि जिस भी साइट से शॉपिंग कर रहे हैं उसका प्रॉपर URL ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप जरूर करें। गूगल प्ले स्टोर पर काफी फेक ऐप मिल जाएंगे। इनके जरिए पेमेंट करने पर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए ऐप उस वेबसाइट पर ही जाकर डाउनलोड करें। ये वेबसाइट आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगी, जहां से आप ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना की वजह से लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल का क्रेज लोगों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप हमारी बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो होने वाली धोखाधड़ी से आप अपने आप को बचा सकते हैं।